हेलो एवरीवन, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू में अभी तक हमने एनिमल टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है कि एनिमल टिश्यू जो है फोर टाइप्स का होता है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये किस चीज़ का बना होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके क्या फंक्शन है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड वन स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। जो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंपल, सिंपल मींस ये सिंगल लेयर का बना होता है। इसमें सिंगल लेयर सेल्स होती है, सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है। जैसे आपने घरों में अपने फ्लोर टाइल्स होती है, एक सिंगल लेयर होती है, उसी तरह ही इसका भी स्ट्रक्चर होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, जो कि एक सिंगल लेयर का बना होता है। सिंगल लेयर और जो स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है वो इसके अपोजिट है। यहाँ पे सिंगल लेयर है तो यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स होंगी, बहुत सारी लेयर्स की बनी होगी। कैसी? मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर। जैसे केक पेस्ट्रीज, उसमें लेयर्स बनी होती है, उसी तरह जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है वो उसमें मल्टीपल लेयर्स होती है और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिंगल लेयर होती है। ओके, तो ये थी बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स। फर्स्ट वन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकेंड वन स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, अब हम स्ट्रक्चर के बेस पे एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे क्या है क्लासिफिकेशन? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन On the basis of structural modification, epithelial tissue is of following types. ठीक है, किसके बेस पे? स्ट्रक्चर के बेस पे, कि किस किस कैसा कैसा इनका स्ट्रक्चर है उसके बेस पे epithelial tissue जो है following types का है। First one, squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue. Second one, columnar epithelial tissue. Third one, ciliated epithelial tissue. Fourth one, cuboidal or cubical epithelial tissue. Fifth one, pseudo stratified. Pseudo stratified epithelial tissue. And last one, that is glandular epithelial tissue. ठीक है, स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के बेस पे जो एपिथेलियल टिश्यू है वो सिक्स टाइप्स का है। फर्स्ट वन स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड वन सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, फोर्थ वन क्यूबॉइडल और क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यू, फिफ्थ वन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू एंड सिक्स वन ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब जो ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मीन्स ये सिंगल लेयर का बना होता है, फ्लैट सेल्स होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में फ्लैट सेल्स होते हैं। और जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में कॉलम पिलर की तरह लंबे लंबे सेल्स होते हैं। सिलिएटेड, इन सेल्स में क्या लगा होता है? सीलिया लगा होता है। क्यूबॉइडल और क्यूबिकल, इनमें स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूबिकल, क्यूबॉइडल की तरह होता है। ठीक है, लंबा लंबा सेल्स होता है, क्यूबॉइडल और क्यूबिकल की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। नेक्स्ट वन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब तो हमने पढ़ लिया है कि मल्टीपल लेयर्स होती है, बट यहाँ पे नाम क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मीन्स हमें दिखती तो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, बट ये मल्टीपल लेयर्स नहीं होती है, ये एक सिंगल लेयर का ही बना होता है। लास्ट वन दैट इज़ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। नाम से ये पता चल रहा है मीन्स जो ग्लैंड्स में प्रजेंट होता है, ग्लैंड्स की लाइनिंग में प्रजेंट होता है, उस एपिथेलियल टिश्यू का क्या नाम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू।